हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑल इन वन और मैं हूँ हर्षा। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डिलीशियस से बनने वाले मलाई कोफ्तों की रेसिपी। आपके यहाँ यदि कोई गेस्ट आए या आप कोई स्पेशल डिनर या लंच प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पार्टी रेसिपी है, ये बहुत ही रिच ग्रेवी से बनकर तैयार होती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। ये सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की बनने वाली डिलीशियस सी रेसिपी। कोफ्ते बनाने के लिए मैं यहाँ 2 बॉयल आलू का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। फिर मैं यहाँ 1 टुकड़ा पनीर का, लगभग 100 ग्राम के करीब पनीर यूज़ कर लूँगी। इसे मैं अच्छी तरीके से कीस लूँगी या फिर आप इसे हाथों से तोड़कर इस तरीके से क्रम्बल भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर लीजिए। दोनों मेथड से ये एक ही वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पनीर को अच्छी तरीके से क्रम्बल कर लिया है। इसमें अब मैं अपने मैश पटैटो को ऐड कर लूँगी। पटैटो ऐड करने के बाद मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी और यहाँ मैंने थोड़े से हरी धनिया का यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब रेड चिली का यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसके आधा टीस्पून नमक ऐड कर लूँगी। नमक मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि हम ग्रेवी में भी ऐड करेंगे। आधा टीस्पून मैंने यहाँ गरम मसाले का यूज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा का यूज़ कर रही हूँ। हमें पूरे डो को प्रिपेयर करने के लिए 6 टेबलस्पून मैदे का यूज़ करना है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे 2 ही टेबलस्पून का यूज़ किया है। धीरे धीरे ऐड करते हुए मैं इसका एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारा सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर हो चुका है और इस डो से हम अपने कोफ्ते प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ छोटा सा पोर्शन ले लिया है, इसके मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा लगा लगा के इसके बॉल बनाऊँगी ताकि इसके टूटने का डर ना रहे। और हम इसी तरीके से सारे कोफ्ते प्रिपेयर करेंगे। और इसके बीच में मैं यहाँ पे काजू ऐड किया था, तो आप इसी तरीके से इसमें काजू ऐड करके इसे अच्छे से सील कर लें और ऊपर से मैं इसे मैदे से कोट कर दूँगी। इससे वो तेल में फटने का कोई डर नहीं रहता। तो हम सारे कोफ्ते इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और इसको आप अच्छी तरीके से मैदे में कोट करते जाएं। इसे मैदे में ज़रूर कोट करें, वरना कई कोफ्ते हमारे तेल में जाने के बाद फट सकते हैं। तो मैंने सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे कोट किया है, आप देख सकते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया था और इसमें मैं अपने कोफ्ते डाल दूंगी। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए और एकदम लो भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लो होगा तो हमारे कोफ्ते सारा का सारा ऑयल सोक कर लेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको पकाएँ और कोफ्ते ऑयल में ऐड कर देने के बाद बिल्कुल भी टच ना करें। उसके बाद हमारे कोफ्तों को हम एक स्पून की हेल्प से पलट पलट कर पका लेंगे। तो यहाँ हमारे कोफ्ते 1 से 2 मिनट बाद थोड़े से टाइट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको स्पून की हेल्प से पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक के पका लूँगी। हमारे कोफ्तों को बनने में करीबन 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। इसके बाद जब हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएँ, जैसे कि ये इस स्टेज पर आ जाएँ, तब हम हमारे सारे कोफ्तों को डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपने सारे कोफ्तों को डिश आउट कर लिया है। तो ये सारे कोफ्ते एकदम क्रंची से हो चुके हैं और अब हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ खड़े गरम मसाले ले लिए, 1 दालचीनी, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची और 2 तेज़पत्ता। इसके बाद मैंने यहाँ 8 से 10 लहसुन की कलियां ले ली हैं। 2 टुकड़े मैंने यहाँ पे अदरक के यूज़ करे हैं। मैं यहाँ 2 मीडियम साइज़ के अनियन को कट करके यूज़ कर रही हूँ और यहाँ मैंने 3 टमाटर का यूज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ 8 से 10 काजू का यूज़ करूँगी और अब हम इससे अपनी ग्रेवी को प्रिपेयर करेंगे। ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया। उसके बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिया था। इसके बाद मैं जिंजर और गार्लिक को इसमें ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा उसको सौते कर दूँगी। उसके बाद मैं अपने अनियन भी इसमें ऐड कर लूँगी। अनियन को आप अच्छी तरीके से सौते कर लें और इसके बाद इसमें आप खड़े गरम मसाले ऐड करें। खड़े गरम मसाले आप पहले ही ऐड करें, मैं उसे ऐड करना भूल गई थी तो मैं उसे साइड में थोड़ा सा पका रही हूँ।
तो इसी तरीके से आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के सौते कर लें। जब हमारा अनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और हमारे सारे मसाले थोड़ी अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, तब इसमें हम काजू को ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ काजू को ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर को ऐड कर लूँगी और दोनों को अच्छी तरीके से भूनते हुए पका लूँगी। इसे मैं स्लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए ढक करके पका लूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। 6 से 7 मिनट बाद अब हम मसाले को चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छी तरीके से बनके रेडी है। हमारे टमाटर पूरी तरीके से गल चुके हैं तो मैं इसे ठंडा होने के लिए डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में अपने मसाले को निकाल लिया था। अब मैं इसे ठंडा होने के बाद पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं इसे छान कर निकाल लूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल और 1 बड़ा चम्मच बटर का यहाँ यूज़ कर रही हूँ। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे। जीरा थोड़ा सा भुन जाए इसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का यूज़ करेंगे। इससे ग्रेवी में अच्छा कलर आता है। इसके बाद मैं 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे वरना नीचे से मसाले जल सकते हैं। उसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में यहाँ हल्दी का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाले का यूज़ किया है। इसके बाद मैं 2 टीस्पून यहाँ पे सूखा धनिया ऐड कर लूँगी और इसे हम चलाते हुए 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा हम ड्राई मसालों को नहीं पकाएंगे वरना वो नीचे से जल सकते हैं। इसके बाद हम अपनी पहले तैयार की हुई प्योरे को इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैं 1 टीस्पून यहाँ पे नमक ऐड कर लूँगी। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ काजू होने के कारण हमारा मसाला थोड़ा सा उछलने लगा है तो अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। ढक करके हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, तब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। यहाँ हम अब अपने मसाले को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल ऊपर मसाले के आ चुका है। हम अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फिर इसे मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी आप आपके हिसाब से ऐड कर लीजिए, जितनी आप आपकी थिक ग्रेवी चाहें उतना आप पानी को ऐड कर लीजिए। इसके बाद मैं इसे ढक कर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। तब तक यहाँ मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। तब तक ये ऑयल छोड़ देगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। अब हमारी ग्रेवी को कुक होते हुए टाइम हो गया है तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए थी। ग्रेवी को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। बाद में मैं इसके इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर लूँगी। यहाँ मैंने 2 बड़े टेबलस्पून के करीब मलाई को ऐड किया है। इसे मैं हम अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए अपनी ग्रेवी को इसी तरह स्लो आँच पर उबलने देंगे। 2 से 3 मिनट का समय यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम अब ऑफ कर लिया है। आखिरी में मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी को ऐड कर लिया है। अब हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। अब हम हमारी डिश में इसको सर्व कर लेंगे। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। मैंने यहाँ एक सर्विंग डिश में 6 कोफ्तों को निकाल लिया है। इसमें मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी ग्रेवी ऐड करती जाऊँगी। इसमें मैं उतनी ही ग्रेवी डालूंगी जितनी की कोफ्तों में लगे। बाकी की ग्रेवी को मैं बाद में यूज़ कर लूंगी बचे हुए कोफ्तों के साथ। और ऊपर से मैंने इसमें मलाई को ऐड कर दिया है। मलाई ऐड करने से कोफ्ते बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर लूंगी। तो यहाँ पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे ये मलाई कोफ्ते। ये देखने में जितने डिलीशियस दिखाई दे रहे हैं, ये खाने में उतने टेस्टी भी हैं। और ये लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट में ये हमें डिश सर्व हुई है। ये देखने में बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। आप भी इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आया तो वो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये डिश आपने घर पर बनाई है। ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। भी मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।